हाय गाइस, ये मेरा लेसन है 12 और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर लिस्ट एंड ऑल्स। इसमें ऑर्डर लिस्ट में आप कुछ भी कर सकते हो, ABC अनऑर्डर लिस्ट, ये सारा कुछ मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। आप ध्यान से देखना, ये वीडियो भी इम्पोर्टेंट है। अंडर लिस्ट में लेने के लिए UL लेना पड़ेगा। UL के अंदर मैंने यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन लिया है। अंडरलाइन का मैंने दिखा दिया, अभी यहाँ पे ऑर्डर लाइन कैसे दिखना है वो भी देख लो। ऑर्डर लिस्ट कैसा होता है उसके अंदर, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम टाइप क्या लेते हो। ऑर्डर में 1 से स्टार्ट करके 2, 3 इस तरह से तुमने नए टाइप ले लिया यहाँ पे।
मतलब ये लिस्ट है गाइस, जावा बाकी सब जो भी है, HTML, PHP एंड सो ऑन। तो कोडिंग के अंदर मैंने लिस्ट बना दी है जावा, PHP और पाइथन का। जो UL है अनऑर्डर लाइन, वो है मतलब कि कोई ऑर्डर नहीं होगा उसका, कोई भी किधर भी आ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं उसका। ओके, और इसमें जो ऑर्डर लिस्ट में होता है, इसमें ऑर्डर रहता है फॉर ABC 1 2 3 4 इस तरह से। अलग अलग मेटा देगा इसमें अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसके बहुत सारे टाइप है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे तरह से, वो देख सकते हो आप लोग। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया कंप्यूटर के अंदर, देन आफ्टर डेट क्या है वो देख लेते हैं। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर्स, अनऑर्डर लिस्ट को ओपन करके क्लोज करते हैं। हमने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, ध्यान से देख लेना गाइस क्या होगा। उसके अंदर नंबर भी लेंगे तभी भी चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड लिया, कीबोर्ड के अंदर ऑर्डर लिस्ट ले रहा हूँ, अंदर ऑर्डर लिस्ट में आप नंबर ले सकते हो, लेटर ले सकते हो। ओके, ऑब्वियसली कीबोर्ड के अंदर यूनिक सिंबल भी होते हैं, जैसे कि कोलन, सेमी कोलन, डॉलर साइन एंड ऑल, हैशटैग, एट द रेट एंड सो ऑन। देखिए कंप्यूटर में के बाद मैंने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट लिया, अनऑर्डर लिस्ट लेने के बाद मैंने लिस्ट लिया, लिस्ट के अंदर मैंने अनऑर्डर लिस्ट लिया।
ओके गाइस, अगर कुछ भी फीडबैक अगर देना चाहोगे तुम लोग इस वीडियो के ऊपर तो दे सकते हो मेरे को कमेंट में। ओके अनऑर्डर लिस्ट को मैंने ब्लैक में कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इसको। ओके थैंक यू।